सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के नज़ारे। और ये सामने है अक्षरधाम टेम्पल जो कि दिल्ली के अंदर पड़ता है, और इसके बगल से ही देहरादून एक्सप्रेसवे निकलेगा। और आपको बता दूं दोस्तों, ये जो मेरे साइड वाला है, ये जो रोड जा रही है, ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से ही ये लिंक है और यहाँ से स्टार्ट होता है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। तो देख सकते हैं ये ब्लू लाइन का मेट्रो की लाइन है और ये फ्लाईओवर है जो कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे क्रॉस कर रही है। मेरे लेफ्ट हैंड पे है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। ये नोएडा के लिए चला जाता है फ्लाईओवर, सामने ये नोएडा है और मेरे लेफ्ट में और मेरे पीछे है अक्षरधाम। तो देख सकते ये नज़ारा, और यहाँ से ये स्टार्ट होगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। और मेरे लेफ्ट वाला है ये अक्षरधाम टेम्पल। तो देख सकते ये फ्लाईओवर बना हुआ है, ये पहले नहीं हुआ करता था। और ये चला जाता है, आपको बता दूं दोस्तों, इसमें लक्ष्मी नगर होते हुए गीता कॉलोनी, और ये गांधी नगर पुराना जो ब्रिज है रेलवे का, उस पर। तो आप लोगों को सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। आज आप लोगों को यही अपडेट देने वाला हूँ पैकेज फर्स्ट का। और ये है ब्लू लाइन, देख सकते हैं, और ये यमुना बैंक से स्टार्ट होती है और ये नोएडा के लिए जाती है सिटी सेंटर। नोएडा सिटी सेंटर के लिए जाती है ये लाइन, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। और यहाँ से ये देख सकते हैं ये अक्षरधाम के अंदर के लिए चला जाता है। और यहाँ से ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो चुका है, जहाँ से ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से ये स्टार्ट होता है और ये यहाँ से निकलता हुआ, और ये अक्षरधाम का मेट्रो स्टेशन आ जाता है। और यहाँ पर कई सारे स्टेशन, आपको बता दूं, मॉल भी है इसके अंदर, स्टेशन के अंदर, और यहाँ पर गाड़ियों का भी शोरूम है। तो दूसरा फ्लाईओवर ये आ जाता है, और ये आ जाता है इंडियन रेलवे का फ्लाईओवर है। इसके नीचे से इंडियन रेलवे गुजरती है और ये जाती है सीधी आनंद विहार के लिए। तो आज मैं आप लोगों को यही अपडेट देने वाला हूँ पैकेज फर्स्ट देहरादून एक्सप्रेसवे पर कितना कुछ वर्क चल रहा है अभी पैकेज फर्स्ट में, वो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो बने रहो केपी संत के साथ में, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो देख सकते हैं ये यमुना बैंक का ही है सारा नज़ारा, क्योंकि यहाँ पर जो यमुना बैंक के ऑफिसर हैं वो बैठते हैं। और ये चला जाता है ऊपर आईटीओ के लिए, और हम बिल्कुल सीधे सीधे चलेंगे। तो आपको बता दूं ये रोड आ रही है, ये देख सकते हैं, ये मेट्रो आ रही है, ये देख सकते हैं, ये वैशाली से आ रही है आनंद विहार, और ये तुम्हारा प्रीत विहार, लक्ष्मी नगर, ये इधर से आ रही है। और ये यमुना बैंक रुकेगी, यमुना बैंक से फिर जाएगी सीधे। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। तो ये आ रहे हैं आईटीओ की तरफ से वाहन, ये जो बस आई है ये आईटीओ की तरफ से आई है। और अगर हमें लक्ष्मी नगर के लिए जाना है तो हम यहाँ से राइट हो जाएंगे, और अगर हम सीधे सीधे जाते हैं तो हम पुरानी दिल्ली के लिए चलेंगे दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ से ये लेफ्ट हो जाएंगे, ऊपर चढ़ जाएंगे लक्ष्मी नगर के लिए। सॉरी, राइट में मैंने गलत बता दिया था। तो यहाँ से ये सीधे निकलते हुए चल रहे हैं, और आप लोगों को दिखाते हुए कि यहाँ पर कितना कुछ कहाँ वर्क चल रहा है अभी, वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिए केपी संत के साथ में, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो। पर डे केपी संत लाता रहता है और आप लोगों को इंटरटेन करता रहता है दोस्तों। तो कहीं कहीं अभी इसका ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है, तो आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा। ये साइड में लेफ्ट हैंड पे ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा, क्योंकि इस पर अभी ये, आपको बता दूं, पैकेज फोर तक दोस्तों, वो सॉरी पैकेज थ्री तक आपको बता दूं ये एलिवेटेड रहने वाली है, क्योंकि नीचे भी वाहन चलेंगे और ऊपर भी एलिवेटेड। तो देख सकते हैं ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर ये ड्रेनेज सिस्टम बना दिया जा चुका है, वो तो पहले ही बना दिया गया था। आप लोगों ने देखा होगा ये पहले ही बना लिया जा चुका था ड्रेनेज सिस्टम, और आगे बस यही काम हुआ है अभी। और आगे अब जैसे ही हम गीता कॉलोनी के पास में पहुंचेंगे, वैसे ही गीता कॉलोनी का आप लोगों को वहां से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो बीच का डिवाइडर है, दोनों साइड रोड के बीच का डिवाइडर, वहाँ पर ये पेड़ स्टैंड करने का काम चल रहा है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ को कनेक्ट किया जा रहा है, मतलब कि शिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ से पेड़ उखाड़े जाएंगे, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए जाएंगे। तो अभी यही वर्क चल रहा है और अभी ज़्यादा कोई वर्क नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो देख सकते हैं ये चला जाता है राजघाट के लिए यहाँ से, और बिल्कुल हम सीधे सीधे आज चलेंगे तो पहले गीता कॉलोनी पड़ेगी, और फिर आपको बता दूं गांधी नगर पड़ेगा, फिर गांधी नगर के बाद में ये दिल्ली का पुराना ब्रिज स्टार्ट हो जाता है, लोहे का पुल, जो कि रेलवे द्वारा बनाया गया था, और उसका जो नंबर है वो है 249 ब्रिज नंबर। तो उसकी मैंने अपडेट दी थी आपको पिछली वीडियो में, वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके देख लेना। और ऐसे ही वीडियोस केपी संत द्वारा देखते रहो। और ये है गौशाला यहाँ का, और ये उतर रहा है, देखो ये इस तरीके से ऐसे उतर जाएगा। ये आ रहे हैं वाहन अभी इस ये फ्लाईओवर को राजघाट की तरफ से, तो इसको हम क्रॉस करेंगे। देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। तो एक तो ये लेफ़्ट में चला जाता है, और ये सॉरी राइट में चला जाता है, लेफ़्ट में हम चल रहे हैं बिल्कुल सीधे सीधे। तो अभी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि कहाँ कहाँ वर्क चल रहा है, इस पर स्टार्ट हो गया है वर्क, कि कितना कुछ वर्क कर लिया जा चुका है, वो भी आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा सब कुछ। तो बहुत तेज़ी के साथ में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जैसे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनाया गया है, उसी तरीके से जाम से निजात दिलाने के लिए यह दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। और आपको बता दूं, यहाँ अक्षरधाम से चढ़ोगे और आप सीधा निकलोगे जाके बागपत होते हुए, बागपत बड़ोत होते हुए और गणेशपुर होते हुए, और ये शमशान घाट आ जाता है, गीता कॉलोनी वाला यहाँ का ये शमशान घाट है। और यहाँ से देख सकते हैं ये कितने हैवी पेड़ हैं बीच में, इनको पहले काटा जाएगा, काटे जाने के बाद में इनको छोटा किया जाने के बाद में फिर मशीन से ये उखाड़ लिए जाएंगे पूरे, और दूसरी जगह ये शिफ्ट कर दिए जाएंगे। और आप लोगों को आगे वर्क देखने के लिए मिलेगा। तो अभी तो यही वर्क चल रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं और दूसरी जगह शिफ्ट किए जा रहे हैं। और देख सकते हैं यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है इनके पिलर बनने, जो एक दिल्ली देहरादून के एक्सप्रेसवे के जो पिलर बनाए जा रहे हैं, जो एलिवेटेड पार्ट है, वो यहाँ से पिलर बनने स्टार्ट हो गए हैं। यह है गीता कॉलोनी और गांधी नगर के बीच का ये नज़ारा है। तो देख सकते हैं अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर, बस पाइलिंग मशीनें चल रही हैं, अभी पाइल कर रही हैं, ज़मीन में नीचे गड्ढे किए जा रहे हैं और उन पर रिंग डाले जा रहे हैं, और फिर उनके बाद में ऊपर इन पर पिलर स्टैंड किया जाएगा। यानी कि पहले पाइल किया जाएगा, फिर उनको फाउंडेशन बनाया जाएगा, और फाउंडेशन बन जाने के बाद में फिर पिलर का स्ट्रक्चर ऊपर सरियों का जाल खड़ा किया जाएगा, फिर उनमें रिंग लगाया जाएगा, रिंग लगाए जाने के बाद में उनमें कंक्रीट द्वारा भरा जाएगा, और भर देने के बाद में फिर उन पर पिलर कैप का काम किया जाएगा लास्ट में। तो अभी तो अभी यही वर्क चल रहा। तो देख सकते हैं ये पाइल मशीन लगी हुई है, और ये देख सकते हैं ये पेड़ दूसरी जगह शिफ्ट किए जा रहे हैं। तो यही नज़ारा है, आपको बता दूं कि यही काम चल रहा है अभी इस टाइम इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर। दोस्तों दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस, तो देखिए ये जो ज़मीन के अंदर जो रिंग डाले जाते वो देखिए ये रखे हुए हैं, पीछे आप लोगों ने देखे होंगे। तो यही काम चल रहा है। और अभी देख सकते हैं ये सेफ्टी बोर्ड लगा दिए जा चुके हैं, बीच का डिवाइडर ये तोड़ा जाएगा अभी, और तोड़ा जाने के बाद में फिर इस पर पाइल किया जाएगा। तो देख सकते हैं ये गांधी नगर स्टार्ट हो चुका है, ये सारा गांधी नगर का एरिया है, ये देख सकते हैं। और इसके बाद में सादरा स्टार्ट होता है। तो देख सकते हैं ये गांधी नगर का ये चौराया है, रेड लाइट है यहाँ पे, और यहाँ से हम बिल्कुल सीधे सीधे चलेंगे तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा अब पुराना ब्रिज दिल्ली का, जहाँ से हम एंटर करेंगे रेड फोर्ट के लिए। देख सकते हैं तस्वीरें। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना। नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। पर ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहता हूँ आप लोगों को। तो दो आगे वाला रास्ता वो तो चला जाता है ब्रिज पे, ब्रिज के लिए, और ये उससे पहले कट जाता है, ये जाता है शास्त्री पार्क और खजूरी के लिए। और अगर हम ये राइट में जाएंगे तो देख सकते हैं ये नया वाला पुल है, जिसकी मैंने अभी आप लोगों को रिसेंटली में ही अपडेट दी है एक हफ्ते पहले, तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लेना। तो देख सकते हैं ये रोड जा रही है। अब अगर हम लेफ़्ट में जाएंगे तो जाएंगे शास्त्री पार्क और खजूरी के लिए, और बिल्कुल सीधे सीधे जाते हैं तो सादरा के लिए हम निकल जाएंगे दोस्तों। तो वो भी अभी आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और दूसरी ये मेट्रो की लाइन आ जाती है, और ये आ जाती है दिलसाद गार्डन वाली, और ये है रेड लाइन दोस्तों, ये रेड लाइन है यहाँ की, ये निकल रही है। और इसके ऊपर से ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे क्रॉस करेगा इसको, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रिसिटी के खंभे भी हो, उसको भी मतलब काफ़ी ऊंचा बनाया जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लेफ्ट हो चुके हैं शास्त्री पार्क के लिए। तो यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है शास्त्री पार्क, और शास्त्री पार्क में देख लेते हैं कि कितना कुछ वर्क चल रहा है यहाँ पर, क्या क्या वर्क चल रहा है वो भी आप लोग अपनी आंखों से देखो, क्योंकि ऐसे ही कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड केपी संत आप लोगों के बीच में वीडियोस लाता रहता है और आप लोगों के एंटरटेन करता रहता है। क्या अभी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर कहाँ कहाँ वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पर, वो सब कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और आपको बता दूं दोस्तों कि मैंने अब सोचा है कि हर पार्ट की वीडियो अलग अलग टाइम पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की जो वीडियोस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी वो सुबह मॉर्निंग के टाइम में देखने के लिए मिलेंगी, यानी कि सुबह 6 बजे से लेकर और 9-10 बजे के बीच में आप लोगों के बीच में वीडियो देखने के लिए मिला करेगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। और जो दिल्ली मेरठ RRTF कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है वो आप लोगों को शाम को अपडेट देखने के लिए मिलेगा, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे। तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर। तो चलिए आपसे मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, आप सभी से तो एंजॉय करो।